ओम शांति। हम फॉलो फादर कर रहे हैं हमें ब्रह्मा बाबा के समान संपूर्ण निर्विकारी बनना है ताकि हमसे प्योर एनर्जी चारों ओर फैलती रहे, प्रकृति का भी कल्याण होता रहे और वातावरण भी शुद्ध होता रहे। और जितने जितने हम निर्विकारी बनेंगे तो देव कुल की जो पवित्र आत्माएं हैं उन्हें आकर्षण होगा पहले हमारी ओर और वो हमसे जाएंगी बाबा की ओर। तो निर्विकारी बनने से सेवाओं में भी बहुत वृद्धि प्राप्त होगी। हम सूक्ष्म रूप से इस बात को देख सकते हैं अपने अपने में। जिसकी पवित्रता की स्थिति जितनी श्रेष्ठ है उसकी सेवाएं भी उतनी ही श्रेष्ठ हैं। तो हम अपने को निर्विकारी बनाएंगे और क्रोध को संपूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। हमारे मन में भी चिड़चिड़ापन न हो। कभी कभी मन में थोड़ी उत्तेजना किसी के आ जाए, थोड़ा रोब आ जाए, किसी से बदले लेने की भावना हो जाए, ये सब क्रोध के सूक्ष्म अंश हैं। तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें बिल्कुल शीतल बन जाना है। क्रोध या चिड़चिड़ापन कहीं भी किसी को भी प्रिय नहीं होता। आपके परिवार में या आपके संगठन में कोई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी चिड़चिड़ा रहता हो आपको कैसा लगता होगा? ये क्रोध का एक ऐसा अंश है जो हमारी सूक्ष्म एनर्जी को धीरे धीरे खाने लगता है, खुश नहीं रहने देता मनुष्य को, उसके मन को विचलित करता रहेगा, उसकी एकाग्रता को नष्ट करता रहेगा। तो हमें क्रोध मुक्त तो होना ही है। बाबा ने भी कई बार ये अभियान चलाए हैं और बहुतों ने इस पर बहुत सफलता पाई है। बाबा का बनने के बाद बहुत आत्माएं क्रोध के अधिक अंश को समाप्त कर चुकी हैं। हम सब भी ध्यान देंगे, जितना भी क्रोध किसी के अंदर बचा हो वो कब आता है, क्यों आता है, उसके कारण को ढूंढ लेंगे। किस परिस्थिति में मुझे क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है, उसे चेक करेंगे और ज्ञान के किसी भी पॉइंट का प्रयोग वहां पर हम करेंगे। इसका आप स्वयं अपने में निरीक्षण करेंगे और कौन सी ज्ञान की पॉइंट आपको उस समय फायदा देगी, चित्त को शांत रखने में, मन को शीतल रखने में। इसका खुद उपयोग करेंगे तो अपने पास कई सारी पॉइंट्स रख लेंगे जिनके आधार से हम अपने क्रोध को नष्ट करते चलेंगे। परंतु हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इन विकारों को नष्ट करने के लिए हमें योग शक्ति की परम आवश्यकता होती है। हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना परम आवश्यक है, क्योंकि हमारे पांचों स्वरूप क्रोध मुक्त हैं, संपूर्ण पवित्र हैं, निर्विकारी हैं। जितने जितने हम स्वरूपों की स्मृति में रहेंगे तो स्मृति से स्थिति बनती है। बार बार अगर हम इस स्मृति को लाएंगे, मैं तो पूज्य आत्मा हूँ, परम पूज्य हूँ, संपूर्ण निर्विकारी हूँ, निर्विकारी स्थिति के आधार पर ही तो मैं परम पूज्य हूँ, तो हमारी स्थिति निर्विकारी बनती ही जाएगी। साथ में योग बल की हमें परम आवश्यकता रहती है ताकि कोई भी विपरीत परिस्थिति हमारे पास आ जाए, जो बार बार आ जाए, हमारी मन की शांति को नष्ट करने लगे, उसमें हम अपने मन में संतुलन रख पाएं। इसके लिए योग शक्ति की परम आवश्यकता है। बिना योग बल के कोई भी निर्विकारी नहीं बन सकता, माया पर विजयी नहीं बन सकता। तो आज सारा दिन हम ये अभ्यास करेंगे, मैं विजयी रतन हूँ। इस गुड फीलिंग से हमारे अंदर की शक्तियाँ विजय दिलाने लगेंगी। मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ, कल पूर्व भी मैंने इस माया को, इस क्रोध को, इस चिड़चिड़ेपन को जीता था, ये स्मृति हमें पुनः विजयी बनाएगी, हमारी शक्तियों को जागृत करेगी। ये बहुत गुड फीलिंग दिन में कई बार हम करें, 10 बार कर लें सारे दिन में, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ।
और कुछ देर हर घंटे में 10 सेकंड भी बैठा करें जाकर परम धाम में सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे, ताकि उसकी संपूर्ण एनर्जी हम में समा जाए, हम आत्माएं संपूर्ण पावरफुल बन जाएं और इस माया को चैलेंज कर दें, सदा के लिए नष्ट कर दें। ओम शांति।